लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत कोडरमा स्वास्थ्य विभाग को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 महीने का गर्भपात कराते हुए कोडरमा के चेचा स्थित वेदांता हॉस्पिटल के संचालक और सर्जन डॉक्टर मुन्ना कुमार साहु को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल के दिनों में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की यह तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ लिंग जाँच कराने वाले गिरोह के सरगना बिंदु सिंह उर्फ पांडे और पवन यादव को गिरफ्तार किया गया था। जिले में घटते लिंगा अनुपात को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अभियान चलाया जा रहा है और भ्रूण जांच के साथ साथ अबॉर्शन कराने वाले को पर नकेल कसी जा रही है। कल हम लोग को एक इनपुट मिला था कि अस्पताल जो विजयपुर में है वहाँ पे कोई महिला भर्ती हुई है गर्भपात की, तो उसके बाद जो मैंने पीसी महोदय को दी तो उन्होंने एक टीम बनाई, उसमें मैं एज ए मजिस्ट्रेट सना थी और पुलिस बल थी वहाँ पे, तो सबको उन्होंने लेके वहाँ पे प्लानिंग के अनुसार लगभग 11 बजे पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पाया कि वो महिला भी थी जिसका गर्भपात प्रक्रिया जारी था। मरीज मिले संचालक डॉक्टर मुन्ना कुमार साहब, वो तो थे नहीं लेकिन बाद में बुलाया गया, वो चले गए, तो बाद में सबका बयान नोट किया गया, उसके बाद डॉक्टर साहब को जैसा तो ले लिया गया। मुन्ना साहब क्या है सर? वो डॉक्टर एमबीबीएस है और उसके वो डॉक्टर इंचार्ज लगभग पूरे जिले में अपने जो इन्फॉर्मेंट्स है उसको सेट कर चुके हैं, तो जहाँ से सूचना मिलती है तो वहाँ पे काम करते हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है उसमें? बिल्कुल वो तो अब गिरफ्तार होंगे और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी केस चलेगा। इस मामले में और भी लोगों का नाम सामने आ रहा है? एक दो जो उनके सहयोगी थे वो वहाँ से फरार हो गए, तो आज तो नाम पढ़ नहीं हॉस्पिटल भी सील होगा, वो सील हो चुका है।